अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इजलान हैदर और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टेपिंग करना सीखी थी और आज हम लेवल 1 का लेसन 2 करेंगे जो है रोलिंग। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं रोलिंग करना। ओके फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट लेसन में हमने नेट को होल्ड किया था और स्टेपिंग की थी, तो आज भी हम स्टार्टिंग में नेट को होल्ड करेंगे और रोलिंग करने की कोशिश करेंगे। रोलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्केट्स वी शेप में रखने हैं, जैसे हमने स्टेपिंग करते वक्त किए थे। वी शेप में अपनी स्केट्स रखने हैं, नीज आपके बैंड होंगे, अपर बॉडी आप कोशिश करेंगे थोड़ा डाउन रखें, ठीक है। और उसके बाद आपने हैंड्स स्ट्रेट करना है और रोलिंग करनी है स्लो स्लो, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे स्केट्स, आपने रोल करने हैं, ठीक है। आपने ऐसे रोलिंग करनी है साथ साथ स्टेपिंग के साथ साथ, स्केट उठाने हैं और रोल करना है। और आपकी ये जो ग्रिप है इसको आप होल्ड ज्यादा नहीं करेंगे, बस आप ये सपोर्ट के लिए रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट लेसन में हमने नेट को होल्ड किया था और स्टेपिंग की थी। आज भी हम स्टार्टिंग में नेट को होल्ड करेंगे, ग्रिप ज़्यादा हार्ड ग्रिप नहीं रखेंगे, नॉर्मली उसको होल्ड करेंगे और साथ साथ रोलिंग करेंगे। रोलिंग करने के लिए आपके नीज बैंड होंगे, स्केट्स जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वी शेप में रखा था स्केट्स को, हम स्केट्स को वी शेप में रखेंगे, ठीक है। रोलिंग में भी अपर बॉडी आपकी डाउन रहेगी और हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे और कोशिश करेंगे स्टेप जैसे हमने स्टेपिंग करते हुए चल रहे थे, इसमें भी हम स्टेपिंग करेंगे लेकिन साथ साथ रोलिंग करने की कोशिश करेंगे और बहुत स्लो कोशिश करेंगे, फास्ट नहीं जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, स्लो स्लो स्टेपिंग करेंगे और रोलिंग करेंगे। वी शेप में आपका स्केट रहेगा, बॉडी आपकी फ्रंट पे डाउन रहेगी। ओके, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं आज आपको टिप ऑफ द डे भी दूंगा और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा जो हम रोलिंग करते हुए कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से स्टेपिंग करते हुए चलेंगे जैसे मैं चल रहा हूँ, ये आपकी सपोर्ट, किसी भी चीज़ को जिस चीज़ को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं करेंगे, आपने सिर्फ सपोर्ट रखनी है ताकि आप गिरे नहीं और साथ साथ रोलिंग करते रहेंगे। अगर आप उसको होल्ड कर लेंगे तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक से दो राउंड करेंगे आप होल्ड करके, फिर उसके बाद आप कोशिश करेंगे सेंटर में आएँ, फ्लोर के किसी भी जहाँ पे भी आप स्केटिंग कर रहे हैं वहाँ आप सेंटर में आएंगे, पोजीशन आपकी वही रहेगी, हैंड्स स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी को आप फ्रंट पे डाउन रखेंगे, ओके, नीज आप बैंड रखेंगे और आप हैंड्स स्ट्रेट करने की जगह आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हैंड्स ऐसे रखें ताकि आपका बैलेंस ज़्यादा अच्छा बने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने नीज बैंड करके अप करना है और रोलिंग करनी है साथ साथ। आप मेरे स्केट देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उठा रहा हूँ और चला रहा हूँ स्केट्स को, तो आपने भी कोशिश करना है स्केट को उठाते रहना है, वन बाय वन आप लिफ्ट अप करेंगे स्केट्स को और साथ साथ रोल करेंगे। बॉडी आपकी फ्रंट पे रहेगी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप बॉडी फ्रंट पे रखेंगे और स्टेपिंग करेंगे। गुड, इस तरह से जिस तरह मैं कर रहा हूँ रोलिंग होगी आप। ओके फ्रेंड्स, कॉमन मिस्टेक नंबर 1, जब भी आप रोलिंग कर रहे होते हैं तो आपके स्केट्स, एक तो आप स्ट्रेचिंग करेंगे जो हमने पहले लेसन में बात की थी कि स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, तो इसमें भी आपकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो रही होगी तो आपने स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, ठीक है। रोलिंग करते हुए आप ऐसे स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है, ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है रोलिंग की, तो ये आपने नहीं करना है। फ्रेंड्स, कॉमन मिस्टेक नंबर 2, आप जब भी स्ट्रेपिंग करते हैं यूजली देखा गया है, क्योंकि मैं कोचिंग करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरे स्केट को अपने लेग को यूज़ कर रहे होते हैं, उनका लेग यूज़ हो रहा होता है इसमें, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप नीज बैंड करें वन बाय वन और स्टेप करें जैसे मैं कर रहा हूँ।
ये कॉमन मिस्टेक नंबर टू है जो मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे कर रहे होते हैं या स्केटर्स कर रहे होते हैं कि वो पूरा स्ट्रेट रह के और स्टेपिंग कर रहे होते हैं ऐसे, तो ये आपने नहीं करना है। स्टेपिंग करना है नीज बेंड करके। कॉमन मिस्टेक नंबर थ्री जो बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे होते हैं, अच्छा करना आपने क्या है कॉमन मिस्टेक में, जो चीज़ आपने नहीं करनी है वो थर्ड नंबर पे है, कि जब कभी जब बच्चे रोलिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने हील पे आते हैं, यानी कि स्केट्स के बैक वाले हील पे आते हैं, जब वो लैंड करता है स्केट तो उनका बैक व्हील आता है, तो आपने ऐसे नहीं करना है, आपने स्टेप उठाना है और फ्रंट से रोल करना है। ये देख रहे हैं आपका टो फ्लोर पे फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद आप पूरे स्केट को रखेंगे, आपने हील नहीं रखनी है, ये कॉमन मिस्टेक नंबर थ्री है। टिप ऑफ द डे, ओके फ्रेंड्स, तो आपने कोशिश करना है जब कभी भी आप स्केटिंग के लिए आएंगे और आप रोलिंग कर रहे होंगे तो आपने थोड़े लूज कपड़े पहनने हैं, आपके क्लॉथ लूज होने चाहिए, फिटेड कपड़े नहीं होने चाहिए। कोशिश करें स्पोर्ट्स ड्रेसिंग करें ताकि आप जब कभी स्टेप्स कर रहे हो, रोलिंग कर रहे हो तो आपको ईजी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में थर्ड लेसन के साथ, जब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।